योगी जी की कौन सी ट्रेन से जाना पसंद करेंगे, आपकी जो बिकी हुई ट्रेन है उनसे जाना पसंद करेंगे या फिर आप पैदल ही जाना पसंद करेंगे? कहाँ भेज रहे हैं उनको? वापस से उनके मठ जहाँ से आए थे। काबिलियत नहीं है हमारे पास, देश के गृह मंत्री की तरह तड़ीपार होने की काबिलियत नहीं है ना? नहीं है हमारे पास काबिलियत तड़ीपार होने की, बिल्कुल नहीं है हमारे पास काबिलियत। इन भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को, इन्हें पढ़ाने और लिखाने की जरूरत है। 15-15 लाख से 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 5 किलो चना दे रहे हैं, आ गए ना औकात पे? 15 लाख रुपए से 5 किलो पे आ गए आप? हमारा साथ देगी और फिर से 350 सीट बीजेपी को यूपी में जनता देने वाली है। जनता बिल्कुल साथ देगी, जैसे लड़की की विदाई होती है ना उसमें धक्का दगाया जाता है ना गाड़ी को, जनता पूरा साथ देगी और 300 पूरी ट्रेन की टिकट कटवा के इनको और इनके तमाम नेताओं को ट्रेन के अंदर बिठवा के पूरी जान से धक्का लगाएगी। योगी जी हेलीकॉप्टर से देखते हैं और मोदी जी हेलीकॉप्टर में से हाथ हिलाते हैं, देखा ना आपने? हेलीकॉप्टर में से किसी को दिखाई देता होगा जो हाथ हिलाते हैं? संपत्ति हमारे नाम पे है ही नहीं, करिए जब्त क्या करेंगे? हम तो तैयार खड़े हैं। दिल्ली में काय बात का पोस्टर, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है एडवर्टाइजमेंट का? क्या पता मोदी जी की तरह वहां पर चले जाए। मोदी जी गए थे ना वहां पर एक बार उसमें गुफा के अंदर, तो गुफा में थोड़ी सी जगह बाकी होगी तो योगी जी भी एडजस्ट हो जाएंगे दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं DL4 न्यूज़, मैं आपके साथ आनंद यादव। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिसका चेहरा सोशल मीडिया पर एक अलग तरह से देखा जाता है, सुना जाता है, मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद है। स्वागत सर आपका DL4 न्यूज़। जी जी, आपका भी और आपके तमाम दर्शकों का भी। सर मेरा ये जो मुद्दा है कि जो योगी जी का नया स्टेटमेंट आया है, बयान आया है कि सोशल मीडिया पर नकेल कसी जाए कि सरकार की जो छवि होती है सोशल मीडिया खराब करती है, सरकार के अच्छे कामों को नहीं दिखाती है, कैसे देखते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, सरकार की जो है सोशल मीडिया पर क्या नकेल कसेगी? सोशल मीडिया पे सरकार से जब नकेल नहीं कसी जाती, जब इस देश के अंदर भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, भड़काऊ नारे दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, उनके तमाम बड़े बड़े नेताओं के द्वारा जो सोशल मीडिया पे बयानबाजी की जाती है वो नहीं आपको दिखाई देती, उस पे लगाम नहीं कसनी चाहिए? हैं, एक माध्यम बचाए लोगों की आवाज़ उठाने का सोशल मीडिया। आए दिन किसी बड़े नेता का आपने ट्विटर हैंडल बंद कर दिया, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी, सभी तमाम नेताओं का हैं, आप ट्विटर हैंडल बंद कर देते हैं जब मर्जी। आपने एक बात बताइए, हम इस देश में डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं या कोई डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पर? ये बताइए आप मुझे कि आपके जो मन में आएगा आप जिस मर्जी पर कस देंगे, हैं? आप पे कोई नहीं कसेगा लगाम, आपके और आपके मंत्रियों पे लगाम कसने की ज़रूरत है। आपके नेता, आपके मंत्री, वहाँ पर आपकी महिलाएं मंत्री शॉपिंग करने चली जाती हैं, लेकिन जब एक बेटी के साथ बलात्कार होता है तो आवाज़ मुँह से नहीं निकलती उनसे, चुप हो जाती हैं बिल्कुल, जैसे इनको सुनाई नहीं देता। निर्भया कांड के टाइम पे आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने कितनी ज़ोर से आवाज़ उठाई, बिल्कुल उठानी चाहिए थी, सरकार का विरोध किया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ। लेकिन जब आप आज आपकी सरकार में होता है तो हम कहते हैं उन महिलाओं से कि आप आवाज़ें क्यों नहीं उठाती, आप क्यों एक महिला के लिए आवाज़ नहीं उठा रही? और योगी जी आप लगाम कसेंगे सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया की ज़रूरत क्या है? आप तो लाखों करोड़ों रुपए का प्रचार करा रहे हैं, हैं? आप कहते हैं कि रोज़गार मिला, चलिए मानिए उत्तर प्रदेश में रोज़गार मिला, पोस्टर लगवाएंगे दिल्ली में, हैं? दिल्ली में काय बात का पोस्टर, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है एडवर्टाइजमेंट का? ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इस पैसे का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। कह रहे अपने तरीके से सोशल मीडिया पर निपटेंगे, अपने तरीके से। अपने किस तरीके से निपटेंगे बता दीजिए, कोई होगा तरीका? सोशल मीडिया बैन करेंगे, करिए बैन, करिए ना। अभी यही सोशल मीडिया मोदी जी की वाहवाही करे, तारीफ के पुलिंदे बांधे, पुल बांधे, तो सोशल मीडिया बेस्ट है। और वही मीडिया अगर सवाल कर ले मोदी जी से कि देश की इकोनॉमी का क्या हुआ, देश के अंदर बेरोजगारी का क्या हुआ, आप कहते थे देश नहीं झुकने दूंगा और आज पूरा देश बेच दिया आपने, और पहले एक और कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, पूरा देश बेच दिया, रेलवे बेच दिया, व्यापार बेच दिया इन्होंने, किसानों की खेती सब लेकर सब कुछ बेच दिया, कुछ देश में छोड़ा ही नहीं है। आप कहते हैं सरकार की छवि, सरकार की छवि बदनाम और बेदुगा तब होती है जब किसी राज्य की सरकार के द्वारा वहाँ पर उसके क्षेत्र में बलात्कार होता है एक महिला के साथ में, जब किसी प्रदेश का किसान सड़क पर बैठा हुआ हो तो सरकार की छवि अपने आप खराब होती है, अपने आप छवि खराब हो रही है, बेदाग हो रही है। अरे 8 महीने किसान बैठा है, आप सुनने को राजी नहीं है, तो क्या आपकी छवि बेदाग नहीं होगी? अच्छा, कल हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त मनाया जाएगा, उसके एक दिन पहले कानपुर की जो घटना घटती है कि बजरंग दल के द्वारा एक कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी के समुदाय के एक आदमी को जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, उसकी 7 साल की बच्ची चीखती चिल्लाती रहती है कि पिताजी को मत करो ऐसे, तो क्या लगता है जिस देश की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता ने साथ लड़के देश की आज़ादी दिलवाई हो, उस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के पहले ऐसा घटना घटना कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो देश के तमाम लोगों को कल स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, लेकिन देश के 75वें गणतंत्र दिवस के बाद जब हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज भी ये देश कुछ नेताओं की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। वो नेता ऐसे हैं जो इस देश के अंदर इस देश को तबाह करना चाहते हैं, एक और पूरा देश
विश्व की पृथ्वी से जब जीवन समाप्त होगा तो कैसे जीवन व्यतीत किया जाए, इस बात को लेकर चिंता में है। एक और दूसरा देश ये सोचता है कि हमारे देश कैसे डेवलप करे, और हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर इस तरीके से भाषण दिए जाते हैं, इस तरीके के सांप्रदायिक नारे दिए जाते हैं जो देश की अस्मिता पर सवाल खड़े करते हैं। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिस देश के अंदर सभी लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है, लेकिन आप ऐसे विचारों को न व्यक्त करें जिससे किसी एक व्यक्ति को, किसी एक समुदाय को ठेस पहुँचे। क्या इसी को लोकतांत्रिक देश कहते हैं? क्या इसी को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं? इस देश को आज़ाद कराने के खातिर न जाने कितने ही नौजवानों ने और कितने ही भारत माँ के वीर सपूतों ने अपने प्राणों को त्यागा, अपने प्राणों का उन्होंने बलिदान दिया, लेकिन एक बार फिर आज ये देश नेताओं की जंजीरों में कैद हो चुका है। अच्छा, नौजवानों से याद आया, योगी जी कहते हैं अगर आप जैसे युवा, जो आप तो मुखर होकर लगातार सरकार का विरोध करते हैं, आप जैसे युवा अगर सड़क पर आते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, किसी गलत किसी के बहकाव में आके आंदोलन करते हैं, तो आपकी संपत्ति जब्त होगी और आपके संपत्ति से जो नुकसान होगा भरपाई की जाएगी। हम नुकसान करते ही नहीं है और संपत्ति हमारे नाम पे है ही नहीं, करिए जब्त क्या करेंगे, हम तो तैयार खड़े हैं, करिए ना। संपत्ति तो हमारे माँ बाप के नाम पे, हमारे नाम पे थोड़ी है संपत्ति। और आप एक बात, हमने कौन सा नुकसान कर दिया? यहाँ किसान बैठा हुआ 8 महीने से कौन सा नुकसान कर रहा है? अरे नुकसान तो आपके नेता करते हैं, आपके नेता जो बड़े बड़े दंगे फसाद करते हैं, जगह जगह आंदोलन प्रोटेस्ट करते हैं और उनमें तोड़ा ताड़ी मचाते हैं, वो नुकसान करते हैं। और एक बात बताइए, बस के अंदर अगर आप यात्रा कर रहे हैं, आपसे बस का शीशा फूट जाए, ठीक है, तो आपसे जुर्माना भरवा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वही बस को बेच दिया जाए तो वो देश हित में है। रेलवे का शीशा फूट जाए तो जुर्माना भर दिया जाएगा, लेकिन रेलवे बेच दिया जाए तो देश हित में है। एयर इंडिया बेच दिया जाए तो देश हित में है। BSNL बेच दिया जाए तो देश हित में है। MTNL बेच दिया जाए तो देश हित में है। तो योगी जी काम तो कर रहे हैं, अभी बाढ़ आई है गाजीपुर बलिया उधर पूरा पूर्व में गोरखपुर साइड में, तो योगी जी जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से पूरा देख रहे हैं नीचे क्या हो रहा है। योगी जी हेलीकॉप्टर से देखते हैं और मोदी जी हेलीकॉप्टर में से हाथ हिलाते हैं, देखा ना आपने, हेलीकॉप्टर में से किसी को दिखाई देता होगा जो हाथ हिलाते हैं। और आप क्या बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्या बिल्कुल यूं करके शिपिंग की तरह नीचे चल रहा है, हैं? नीचे ज़मीन पर उतर के कहिए ना, आके देखिए लोगों की, जनता का क्या हाल है। हेलीकॉप्टर से दौरा करना आप मानते हैं कि लोगों को? आप एक बात बताइए, लोगों के पास तन पे पहनने को कपड़ा नहीं है, उन पे खाने को रोटी नहीं है, ये देख लीजिए 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देख लीजिए, लोगों के तन पे कपड़ा नहीं है, ये देख लीजिए, ये हालत है और ये देश की हालत है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं ये, ठीक है ना, ये महिलाओं के साथ और छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर सड़क पर खाना खा रहे हैं, देखिए किस तरीके से एक बच्चा पानी पी रहा है, आपको देखा भी होगा वो। ये तस्वीरें पूरे देश को दिखानी बहुत ज़रूरी हैं कि देश के आज़ादी के अवसर पर आज भी बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलती। और शिक्षा की बात तो योगी जी करते नहीं हैं, ना देश की सरकारें, क्योंकि शिक्षा से कोई फ़ायदा नहीं है ना, फ़ायदा तो दारू के ठेके खोलने से, इसलिए दारू के ठेके खुलवाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत होती है उससे। कौन सी? दारू के ठेके से? तो शिक्षा से तो पूरा देश मजबूत होता है, शिक्षा मजबूत कराई जानी चाहिए, तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में आपका कोई योगदान है? अपने घर में ले जाके शराब पिलाते हैं क्या आप लोगों को? सरकार कहती है कि अगर दारू के ठेके खुलते हैं तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो लोग खरीदारी आइए ना। नहीं नहीं, तो सरकार अपने बच्चों को पिलवाए, अपने बच्चों को पिलवाए शराब, देश की जनता का भविष्य ही खराब करना है आपको, अपने बच्चों को पिलवाए नेता। इतने सारे नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इनके पास तो लाखों करोड़ों खरबों रुपये की संपत्ति है, अपने बच्चों को पिलाएं दारू अगर सरकारी इजाफा होता है तो इससे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो जनता है जो बाढ़ में पीड़ित है, योगी जी उनको हवाई ऊपर से मतलब हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं, तो आखिर उसी जनता के बिना पर कह रहा है कि हम जनता हमारा साथ देगी और फिर से 350 सीट BJP को UP में जनता देने वाली है? जनता बिल्कुल साथ देगी, जैसे लड़की की विदाई होती है ना, उसमें धक्का दगाया जाता है ना गाड़ी को, जनता पूरा साथ देगी और 300 पूरी ट्रेन की टिकट कटवा के इनको और इनके तमाम नेताओं को ट्रेन के अंदर बिठवा के पूरी जान से धक्का लगाएगी, भले ही उस ट्रेन में कोयला हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, नहीं हो, चलेगी तब भी, पूरी जनता के धक्का लगाने से चलेगी और इनका पूरे देश से सफाया होगा। कह रहे जनता विदाई, जनता पे उन्होंने काम किया है ना, कह रहे हैं हमने रोजगार दिया है, शौचालय बनवाए, वो मोदी जी के थैले वाला राशन मिल रहा है 5 किलो, थैले में इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर दिया, इतने का अगर राशन और बढ़ा देते तो फायदा हो जाता देश की जनता को। और आ गए ना औकात पे, 15-15 लाख से 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 5 किलो चना दे रहे हैं, आ गए ना औकात पे, 15 लाख रुपए से 5 किलो पे आ गए आप। योगी जी इनकी कौन सी संपत्ति जब्त करेंगे? इनको तो घर दिला दीजिए, दिला दीजिए आपकी आवास योजना के तहत, क्या इन गरीबों को भी घर मिल पाएगा? क्या इन मासूमों का भी इलाज हो पाएगा? आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला ये बताइए मुझे, आपको रोजगार मिला नहीं मिला? अरे हमें तो रोजगार क्या, एक बात है, हम तो पढ़ लिख के खुद ही रोजगार ले लेंगे, सरकार क्या दिलाएगी हमें रोजगार? सरकार संपत्ति बेच रही। सुनिए, मैं लॉ की स्टडी कर रहा हूँ और मेरे को पता है कि मैं एडवोकेट बन जाऊंगा, लेकिन ये है मोदी जी वाली डिग्री मत समझिएगा आप, मेरी डिग्री ओरिजिनल होगी, मैं दिखा दूंगा आपको सामने प्रूफ लाके। उनकी कौन सी डिग्री होती है भाई? मोदी तो कह रहे हैं वो तो पढ़े लिखे हैं ना, उन्होंने पूरा उनका बकायदा पढ़े लिखे BA वगैरह किया उन्होंने। आपने देखी है डिग्री?
आप कहते हैं वो तो, कहने को तो मैं कह दूं कि मैं कल मंगल से होके आया हूं, आज न्यूजीलैंड जा रहा हूं, परसों दुबई जाऊंगा, आप मान लोगे? बताइए, अगर कहने से सब कुछ हो जाए प्रधानमंत्री के, पता नहीं क्या क्या कह दूं। प्रधानमंत्री के शब्दों पर भरोसा नहीं है जो प्रमाण पत्र दिखाएंगे? प्रधानमंत्री जी के शब्दों पर भरोसा होता तो आज आप और मैं दोनों 15-15 लाख रुपए जेब में ही लेके घूमते। और लेकिन मोदी जी कह रहे हैं जस्ट वेट एंड वॉच, 15-15 लाख क्या, एक बार और मौका दीजिए, 15 के 30 हो जाएंगे, समझ रहे हैं? क्या पता ब्याज बढ़ के पैसा आ जाए। हाँ, ब्याज बढ़ के पैसा आएगा, कहाँ से आएगा ये तो बताइए। अमित शाह जी को सुना नहीं, ये जुमला है, ये सब एक जुमला है, और पूरे देश में जो ये बोलते हैं सारा जुमला ही है। अच्छा, योगी जी कहते हैं आप जैसे युवाओं के पास काबिलियत नहीं है। अच्छा? क्योंकि यूपी में रोजगार की कमी नहीं है, युवाओं में काबिलियत नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास काबिलियत नहीं है, हमारे पास देश के गृह मंत्री की तरह तड़ीपार होने की काबिलियत नहीं है ना, नहीं है हमारे पास काबिलियत तड़ीपार होने की, बिल्कुल नहीं है हमारे पास काबिलियत। हमारे पास एजुकेशन की काबिलियत है, शायद उसकी कमी आपके नेताओं के अंदर झलकती है, इसीलिए इन भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को, इन्हें पढ़ाने और लिखाने की जरूरत है, पढ़िए उसके बाद में आप बहस करिए। और सारे जो मुद्दे हैं तमाम यूपी में चुनाव में, और सारी जो पार्टियां हैं, चाहे अगर मैं बीजेपी की बात करूं, क्योंकि सत्ता में वही सवाल करता हूं, उनने जातीय समीकरण बढ़ाने गोटियां फिट करनी सही कर दी है, अल्पसंख्यक अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, ओबीसी पिछड़ा वर्ग, बहुत सारे मंत्री बनाए जा रहे हैं, क्या लगता है इनकी गोटियां, जो जातीय गोटियां हैं, कितनी फिट बैठेंगी? बिल्कुल नहीं बैठेंगी। ये देश भारतीय के नाम से जाना जाता है, इंडियन के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, और इस देश के अंदर SC ST OBC, हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण दलित, ये तमाम जातिवाद की कोई जगह नहीं है। इस देश के अंदर सबको इंडियन के नाम से, भारतीय के नाम से, भारतवासी के नाम से संबोधित किया जाता है, और उसी के नाम से संबोधित किया जाएगा, और इसीलिए भाजपा की यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली गोटी जो है वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ पाएगी। और इसीलिए मोदी जी डिसाइड कर लीजिएगा, योगी जी, कि कौन सी ट्रेन से जाना पसंद करेंगे, आपकी जो बिकी हुई ट्रेन है उनसे जाना पसंद करेंगे या फिर आप पैदल ही जाना पसंद करेंगे? कहाँ भेज रहे हैं उनको? वापस से उनके मठ जहाँ से आए थे। हाँ, मठ चले जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, और अब की बार बताया जाएगा कि कैसे करी जाती है। क्या पता मोदी जी की तरह वहाँ पर चले जाएं, मोदी जी गए थे ना वहाँ पर एक बार उसमें गुफा के अंदर, तो गुफा में थोड़ी सी जगह बाकी होगी, तो योगी जी भी एडजस्ट हो जाएंगे दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।